राज्यसभा सांसद गीता साग ने अजीत मल नगर पंचायत के सौजन से तहसील के पास स्कूल के प्रांगण में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाकर धरातल उतारने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान देने प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक यही सरकार है जिसमें महिलाओं के प्रति लोगों के मनों में विश्वास और एक अच्छी छवि और एक अच्छा सम्मान देने का काम किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया और लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनवाने में भाजपा के पक्ष में समर्थन देने की अपील की। इस दौरान भाजपा को विकसित बनाने के लिए शपथ भी दिलवाई। लाभार्थियों को कंबल, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लोगों को अधिकार पत्र, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी वितरित की और आए हुए शिकायती पत्र का निराकरण करने के लिए SDM अजीत मल को राज्यसभा सांसद ने निर्देश दिए और इसकी रिपोर्ट देने को भी कहा। वहीं विभिन्न लाभकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगे ना देख वह DMEO पर नाराज हुए और सूचना देने की रिपोर्ट भी मांगी।